ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, ब्रिज कोर्स 2021 टेंथ स्टैंडर्ड में हिंदी विषय दिन 19वां, इस दिन में आप सभी का स्वागत। तो चलिए, आज हम दिन 19 में जो क्षेत्र श्रवण पठन लेखन के बारे में रिवीजन करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं अपेक्षित कौशल पठन के बारे में कि वैज्ञानिक तथा चिकित्सक दृष्टिकोण निर्माण करना, यही प्रमुख प्रयास रहेगा। संकल्पना है हिंदी में, हिंदी गद्य, तो गद्य का हम जो नीचे दिया गया पाठ्यांश है वह गहराई से समझने की हेतु से आप पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विचार विमर्श करेंगे। पढ़ने के बाद मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और उनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यही है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है तथा अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब एक लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। यानी यह जो पाठ्यांश है, प्रस्तुत पाठ्यांश में यह आप सभी ने अब सुना है। यहाँ से अब विचार विमर्श करने वाले हैं कि जो सड़न रोग हैं उसका अध्ययन किया है, यानी उसकी जो चिकित्सा प्रणाली है वह क्या है, उस रोग के लक्षण क्या है, उस पर उपाय क्या होना चाहिए, इसका सभी आकलन करने के बाद पता चला है कि उसके लिए उस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना तथा अंग प्रत्यारोपण करना, यानी एक हाथ दूसरा अवयव अगर खराब हो जाता है तो उसे उसके बदले प्रत्यारोपण करना, यानी दूसरा बनाना या दूसरा लगाना, दवाएं तथा आवश्यक आसपास सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कठिन है, इसलिए मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूँ। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाएगा। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग स्वयं ही सारी बात सीख ले और अपना इलाज खुद कर सके, लेकिन अभी वह तैयार नहीं है। यही कारण है कि यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि जो नीचे कृति दी गई है, इस कृति को अपने वही में आपको लिखना है, सेतु स्वाध्याय वही में इस कृति को लिखना है। पहला है, पढ़िए पहली कृति। इन शब्दों के लिए पाठ्यांश में प्रयुक्त विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए, अनावश्यक, उसके लिए आवश्यक
कौन सा है? आवश्यक, अनावश्यक, आवश्यक, असंभव, संभव, असहमत, सहमत। यही विलोम तीन शब्द है आपको लिखने हैं, यानी आवश्यक, संभव, सहमत। इन शब्दों के लिए पाठ्यांश में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखना है। वसुंधरा, पृथ्वी। वसुंधरा के बदले कौन सा प्रयुक्त समानार्थी शब्द आया है यहाँ पर, पर्यायवाची शब्द, उसे कहते हैं पृथ्वी। यहाँ पर पृथ्वी लिखना है। यहाँ शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक। कौन? वैज्ञानिक। याद देखिए, वैज्ञानिक। यहां पर वैज्ञानिक लिखना है। और औषधिया, दवा। क्या लिखना है यहां? दवा। तो चलिए, डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ का उद्देश्य समझने हेतु तथा छात्रों में चिकित्सक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय सुरक्षा विषयक दृष्टिकोण निर्माण करने हैं तो नीचे एक पाठ्यांश और दिया गया है। वह पाठ्यांश सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। हमारी ग्रह के जल में एक विशेष प्रकार के विषाणुओं के मिले जाने के कारण वह जहरीला हो गया है। उसके उपयोग से हमारे ग्रह पर महामारी फैल गई है, जिससे वहां के लोग मरने लगे हैं। हमने तो उन विषाणुओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन जल में घुले जहर को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। जल को विषहीन बनाने में समय लगेगा। पानी के अभाव में हमारे लोग मर रहे थे। अपने अस्तित्व के लिए हमने निर्णय लिया कि हम जल्द से जल्द किसी ग्रह की खोज कर वहां का पानी अपने ग्रह पर ले जाएंगे, अपने ग्रह के लोगों का जीवन बचाएंगे। हमारी नजर आपके नीले ग्रह पर पड़ी, जो हमसे अधिक नजदीक था। हम लोगों ने यहाँ पर विशाल जल भंडारों को देखा, निर्णय लिया कि जब तक हमारे ग्रह पर पानी शुद्ध नहीं हो जाता, हम लोग यही से जल को अपने ग्रह पर ले जाएंगे। हम लोग लगभग एक सप्ताह से जल को विशेष यान की सहायता से ले जा रहे हैं। यही एक आगे का उस जो पाठ है, डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ से जो गद्यांश हमने लिया है, उसमें कहा गया है कि हमारा जो ग्रह है, उस ग्रह पर विषाणु की वजह से जल जहरीला बन गया है। इसलिए अगर हमें लोगों को बचाना है, हमारे ग्रह के लोगों को बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस विषाणु को नष्ट तो कर दिया, लेकिन उस विषाणु की वजह से जल में जो जहर घुल गया है, उस जहर को निकालने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत समय लगेगा। इसलिए हमारी राय यही है कि पानी के अभाव में हमारे लोग मर जाएंगे। अपने अस्तित्व के लिए हमने एक निर्णय लिया है कि जल्द से जल्द हम किसी ग्रह से खोज कर वहाँ पर जो पानी है, वह पानी यहाँ लेके आएंगे, अपने ग्रह के लोगों को ही जीवन बचाएंगे। हमारी नज़र आपके नीले ग्रह पर पड़ी और उसी से हमने निर्णय किया कि वह नज़दीक थी, नज़दीक था। हम लोगों ने यह विशाल जल भंडार को देखा है आपके ग्रह पर, और इसलिए हम जब तक हमारा पानी शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक हम आपके उस ग्रह से, नीले ग्रह पर से जल को लेके आएंगे, ले आएंगे। हम लोग लगभग एक सप्ताह से जल को विशेष यान की सहायता से ले जा रहे हैं। उस पर अब जो कृति दी गई है, यही कृति हमें अब हमारी सेतु अभ्यास वही में इसे लिखना है, पूरा करना है। इन शब्दों को पाठ्यांश से ढूंढकर मानक वर्तनी के अनुसार शुद्ध करके लिखिए। मानक वर्तनी के अनुसार यानी नियमों के अनुसार जो शब्द है वह जहरीला, कैसा लिखा है देखिए, जहरीला, यानी ऐसा लिखना है।
जहरीला, यह शब्द यहाँ पर लिखना है, यानी इसकी जो इधर से लिखना है जहरीला। जहरीला सप्ताह, पिछले सप्ताह से ऐसा कहा है, हे सप्ताह ऐसा शब्द लिखना है सप्ताह। सप्ताह पाठ्यांश में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। प्रत्ययुक्त जो शब्द है वह ढूंढकर लिखना है। प्रत्ययुक्त सहाय, सहायता यह शब्द है, यह लिखना है। और आपको लिखना पड़ेगा विषाणु, विषाणुओं, उसके उसके यह शब्द को ढूंढकर हमें वहां पर लिखना है। ऐसे शब्द ढूंढकर हमें जो प्रत्ययुक्त शब्द है वह प्रत्ययुक्त शब्द हमें यहाँ पर दो लिखते हैं। चलिए आगे सृजन करेंगे हम। वर्तमान जीवन में जल का महत्व, इस विषय पर आधारित जो पथनाट्य है वह तैयार करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। यानी नाट्य जो हिंदी वाङ्मय यानी हिंदी साहित्य में जो नाट्य पथनाट्य है वह पथनाट्य तैयार करके जल पर, जल का महत्व इस पर तैयार करेंगे। अलग अलग पात्रों को लेकर उनके द्वारा संवाद रचित पथनाट्य तैयार करेंगे और जल का महत्व उस पथनाट्य से दिखाएंगे। उसे हमें तैयार करना है। पूरक साहित्य स्रोत जो है वह भारत के मिसाइल मैन, भारत के शास्त्रज्ञ और भारत के महामहिम, दिवंगत महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी पर आधारित जो अग्निपंख, यह जो किताब है उसे पढ़िए अग्निपंख को। और पढ़ने के बाद उनका जो जीवन है, उनका जो आदर्श है वह हम सुनेंगे, जानेंगे। यह आप सभी को करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने डे 19 में ब्रिज कोर्स डे 19 हिंदी कक्षा में आप सभी ने यह अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।